आपने ना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। इतना धोखेबाज निकलोगे मैंने सोचा ही नहीं था। धोखा क्या है? मुझे मालूम होता ना ऐसे निकलोगे मैं कभी शादी ही नहीं करती आपसे। मैं कौन हूँ फिर? तुम मेरी पहली पत्नी थी, अब नहीं हो। अब मेरी पत्नी ये दूसरी पत्नी है जिससे मैं दिमाग में पागल हो गया है आपका, जिससे मैं प्यार करता हूँ। यही सब आदतों की वजह से मैंने किया शादी, ये सब के लिए। अब मुझे पता चला जो बहुत एक्स करते रहते ना, कहीं उसी को तो नहीं लेके आ गए हो? कौन है ये? बोल भी नहीं है। इधर इधर ही रह के बात करो, उसको छूना नहीं। क्यों नहीं छूना? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी बैक टू अवर चैनल, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? स्वागत है हमारे चैनल में। सो आज एक मैं खतरनाक प्रैंक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। काफी लोटपोट होने वाले हो आप लोग, हंसते हंसते आज पागल हो जाओगे। सो आज का ऐसा था कि अभी जस्ट मैं आ रहा था ऑफिस से, जल्दी आ गया मैं घर पे और कोमल का फोन आया कि मैं 10-15 मिनट लेट हूंगा और मैं एकदम शॉक हो गया कि घर पे है नहीं है, तो मुझे एक चांस मिल गया। सो प्रैंक जो करने वाला हूँ वो प्रैंक है फेक मैरिज प्रैंक। सो गाइस, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मस्त प्लान है गाइस, मेरे को लगता है कोमल आने वाली है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। कुर्ता पजामा पहन नहीं सकता क्या मैं? चंदन वंदन क्यों लगा रहे हो? पूजा कहीं गए थे क्या? मंदिर ही जाके आया हूँ। अच्छा लगा रहा घर का कुर्ता लेके गए थे आप ऑफिस जाते हो मंदिर जाने के लिए? आज कुर्ता ही पहन के गया था, सुबह देखा नहीं तुमने? मैं हाथ पैर धो गया था। ये कौन है? मैं नहीं दिखाऊंगा पीयूसी, प्लीज मैं नहीं दिखाऊंगा। हटो तो। क्या? एक मिनट हटो। क्या? कौन है ये? कौन है ये? इधर ही रुक के बात करो। मुझे पहले बताओ कौन है ये, किसको लेके आओ घर पे, और ये क्या क्या है घूंघट उंगट डाल के बैठी? कौन है? कोई भी रहे, कौन है ये? मेरी दूसरी पत्नी है। हा? मैंने शादी कर ली उससे। और मैं कौन हूं फिर? तुम मेरी पहली पत्नी थी, अब नहीं हो। अब मेरी पत्नी ये दूसरी पत्नी है जिससे मैं दिमाग में पागल हो गया है आपका, जिससे मैं प्यार करता हूँ। यही सब आदतों की वजह से मैंने किया शादी, ये सब के लिए। अब मुझे पता चला जो बहुत एक्स करते रहते ना, कहीं उसी को तो नहीं लेके आ गए हो? कौन है ये? बोल भी नहीं है। इधर इधर ही रह के बात करो, उसको छूना नहीं। क्यों नहीं छूना? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी जिंदगी में पूरा जहर घोल के रखी है, इसको शर्म नहीं आती आ गई है मेरी जिंदगी में सर। तुम टेंशन मत लो, तुम कुछ मत बोलना। क्या टेंशन? मतलब आप उसको इंपोर्टेंस दे रहे हो मेरे से ज्यादा? तुम उसको कुछ मत बोलना। अरे तो वैसे क्यों कर रहे हो यार? और आपने कैसे आपने दूसरी मैरिज कैसे कर ली? हाँ करूंगा ना कोमल, तुम हमेशा उधर। आपने दूसरी मैरिज कैसे कर ली? कर सकते हैं मैरिज, क्यों किया? लेकिन आपने ऐसे क्या प्रॉब्लम था मेरे में, ऐसे क्या कमी रह गई थी? बहुत प्रॉब्लम है, 100 गुना प्रॉब्लम है। आप उसे डिस्कस की होती ये सब करने की हरकत जरूरत थी आपको? डिस्कस करता तो तू 36 बहाने डालती। और ये कौन है? ये कौन है छुड़ैल चासनी का पूरी काली साया लेके आई है मेरी जिंदगी में? कौन ये दायक लेके आया? कैसे हो रही उसको बोलने की है? उसको पहले मैं देखूंगी। हट जाओ पहले, कौन है मुझे देखने दो। ये जो हरकत आप किए हो ना, इसका याद रखना। आपको इतना भी शर्म नहीं आया शादी क्या लेना? तुमको उससे क्या लेना? मैं तुमको देख बच्चों, रहा हूं। बच्चे का क्या होएगा? बच्चों को तुम पालो फिर। मेरे बच्चों को मेरे साथ दे दो, हम लोग पालेंगे। क्यों 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 ऐसी ये हरकत करनी, क्या जरूरत है राहुल? तुमसे नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम्हारे साथ नहीं रहना था मेरे को। पसंद नहीं मतलब? मुझे देख, पसंद नहीं मतलब? इधर ही पसंद नहीं मतलब? तो शादी क्यों किया ये सब हरकत करने के लिए? मुझे पता नहीं था ना शादी के बाद तुम ये सारा काम क्या किया मैंने? नहीं हटो इधर से, हटो उधर ही रुको कोमल, उधर ही रुको। उसके आप सेफ्टी बन रहे हो आज, जहाँ आपको मेरी मम्मी चाहिए थी आप कोई और लड़की को लेके आके ये सब हरकत कर रहे हो? करूंगा, क्योंकि मुझे जिससे शादी करनी थी मेरा प्यार था, मैंने कर लिया। वो मुझे समझती है, तुम नहीं समझती हो। तुम हर चीज में किचकिच 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 करती हो, कुछ किचकिच नहीं करती है। गजब बेइज्जती है।
क्या बार बार बोल रहे हो समझती है समझती क्या समझती है आपको समझती तो इस तरीके से दूसरे की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मुझे देखने को कौन है ये देखने दो राहुल इस तरीके से मत करो समझी कौन पिचास नहीं आ गई है डायन गूंगी बहरी जो बोल तक नहीं रही है मेरी जिंदगी को पूरे काले छाए में रा डाल दी है। तुम शांत रहो तुमको कुछ क्या कर रहे हो हा? उसको कैसे सेफ्टी करे इस टाइम पे आपको मुझे और बच्चे को सेफ रखना चाहिए तो आप दूसरी लड़की को लेके आके उससे पास मत आओ इतने पास मत आओ क्यों नहीं आएंगे देखना है मुझे कौन है ये रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं सुके 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 स्टूडेंट को लेके आया हूँ मुझे देखना है स्टूडेंट का देखना है चेहरा बहुत इतने शांत से बैठा है देखो आपके घर में भी आ गई है झगड़ा नहीं चाहिए मेरे को नहीं चाहिए जो हरकत क्या हिस्सा हिस्सा हाँ एक काम हिस्सा नहीं चाहिए तुमको तो तू भी रह ये भी रह ज्यादा बोल रहे हो मैं उसको ना आज धक्के मार के बाहर निकालूंगी जो हरकत की है तो और आपका तो मैं देखती हूँ इसके बाद क्या करना है क्या देखती हो क्या हा? देखती हो मैंने बोल दिया ना अगर तुमको नहीं रहना है तुमको जाना है आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई आप वीडियो होते हुए आपने दूसरी मुझे धोखा दिया आपने चीट किया मेरे साथ आपने चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू चीट किया आपने और वो लड़की बदतमीज आज तो ना ये पूत आप लोग घर मत जा वो कुछ नहीं बोल रही है शांत बैठी है कितनी इससे समझ इससे समझ में आता है कितनी संस्कारी हो इससे समझ में आता है कि कितनी संस्कारी हो मैं जानती हूँ जितनी अगर संस्कारी होती ना तो दूसरी औरत बन के नहीं आती दूसरे की जिंदगी खराब करने प्यार किसी से भी हो सकता है बहुत प्यार वाली हुई है हाँ ये उम्र में प्यार करने चले हो आप तो जिस उम्र में आपको कोई सीमा होती है क्या जिस उम्र में आपको अपने बच्चे के करियर के बारे में सोचना चाहिए फ्यूचर के बारे में हमारे सोचना चाहिए उस उम्र में आप दूसरी शादी करके आ रहे हो तो क्या हो गया शादी कर लिया तो मैं तो बोल रहा हूँ यही करना था हर तू तो भी रहो वो भी रहे आराम से ज्यादा मत बोलो समझे कि बर्दाश्त के बाहर हो रहा है मेरे से ये क्या बोले जा रहे हो आप तुम उधर ही बैठो तुम गलत कर रही हो यही सब कारण की वजह से शादी कर ये हरकत मेरी बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं आपकी यही हरकत के वजह से ना मैं परेशान हो चुकी हूँ जो आप करके आए हो अरे यार आपको जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचे यार आपको बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं हुई आपके साथ इतने अच्छे अच्छे मैंने सपने अच्छे अच्छे यादें रखे थे आपको वो सब भी याद नहीं आया क्या याद कि मेरी बीवी है मेरा बच्चा है उसके बारे में और किसने भी जो यादें रखी मेरे साथ उसका क्या बहुत सोच रहे कौन सी ऐसे सोच के 10 दिन के प्यार में उतना उसके इसमें गुमशुदा हो गए हो क्या हमारे बारे में सोच ज्यादा हो रहा है आपने पूरा जिंदगी मेरा बर्बाद कर दिया धोखेबाज निकलोगे सोचा नहीं था कुछ बर्बाद नहीं हुआ है तुम जाओ यहाँ से तुम जाना है तो अपने घर चली जाओ कुछ दिन के लिए सब माहौल ठंडा हो जाएगा तो आ जाना ठीक है जाओ यहाँ अब तो मैं सोच ले रहा हूँ आपने भी पूरी जिंदगी में बर्बाद कर दिया उसको कुछ नहीं बोलना उसको कुछ नहीं बोलना आपको आई लव हर शर्म ही नहीं इतने बेशरम आ रही हो आप आ जाओ वहां खड़ी रहो दूर खड़ी रहो इससे देखो डर लग आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली इतना धोखेबाज निकलोगे मैंने सोचा ही नहीं था इसमें धोखा क्या है मुझे मालूम होता ना ऐसे निकलोगे मैं कभी शादी ही नहीं करती आपसे एक चीटर इंसान पता नहीं किस चुड़ैल को लेके आया हो उसको कुछ मत बोल कोमल वो बिचारी शांत से बैठी है उसको बैठे रहने देखो मेरे से बात करनी कर देखो जो झगड़ा करना है करने को चल बाहर चल के करते हैं उसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं नई नई दुल्हन में घर में मेरे बारे में कभी सोचे क्या आप इतना कलेश मुझे क्या अच्छा लगेगा मुझे क्या नहीं अच्छा लगता तुझे क्या अच्छा लगता है तुझे क्या अच्छा लगता है बोल वो देखो दे देता हूँ तू खुश रहो मुझे आप चाहिए थे इसको किसको लेके आ गए यार मैं उसे इतना प्यार करती थी आपने पूरे मेरे धोखा दे दिया बहुत अच्छा कौन है ये हिल भी नहीं रही है ये गिरा दी इसको फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है हाँ तो क्योंकि ये औरत नहीं है ना कौन है ये
तुझे छोड़ नहीं सकता रे बगली, तुझे छोड़ नहीं सकता। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे बाप रे, मेरे को बोला नहीं। सो गाइज, मैं अभी इसको ना अब मनाने में, मेरे को लगता है आज मुझे खुद बहुत मार खाया मैं इस वीडियो में, अब इसको मनाने में पता नहीं मुझे कितनी मार खानी होगी। सो गाइज, अगर वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब जितने लोग फैमिली जुड़ेंगे उतना ही हम आगे होंगे और उतनी ही एंटरटेनमेंट वीडियो लेके आते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। आप लोग मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। सो गाइज, इसको मनाने में काफ़ी टाइम लगेगा आज बहुत ही तूफानी दार चीज़ें होने वाली है। आज मेरा पीठ पता नहीं क्या होने वाला, आज बहुत मार खाने वाला लगता है ऐसा। मैं किसी तरह इसको आज मनाने की कोशिश करता हूँ। सो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।